तो गाइस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड बिग बिलियन डे तो हो चुका है खत्म, अभी आज के दशहरा सेल एंड दशहरा सेल में मैंने परचेज किए हैं मैकबुक M2 Pro। हालांकि ये भाई काफी सस्ती थी इन बिग बिलियन डे, बट उस टाइम में परचेज नहीं कर पाया सम रीजन की वजह से, बट ये मैंने अभी मंगाई है 85,000 रुपीज की। बेस्ट डील एंड ऑफर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्विकली इसको अनबॉक्स करेंगे, जानेंगे फर्स्ट इंप्रेशन एंड कैसे एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने वाला। मैं ऑलरेडी M2 यूज कर रहा हूँ बट वो मैक मिनी के रूप में, ये मेरा फर्स्ट एप्पल लैपटॉप है या आप बोल लीजिए मैकबुक है। तो यहाँ पे आपको सेम कलर की मैकबुक देखने मिल जाएगी। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो यार क्या ही शेयर करूँ, ऑलरेडी डिलीवरी वाले ने अनबॉक्स कर दिया था इसको, बट चलिए बताता हूँ। ऊपर आपको यहाँ पे मैकबुक देखने मिल जाती है, कुछ डिटेल दी गई है पीछे की तरफ, लाइक जो इसका वेरिएंट है 8GB 256GB वेरिएंट है हमारे पास। बॉक्स कंटेंट वाइज सबसे पहले आपको आपकी मैकबुक मिल जाती है, उसको साइड में रखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है कुछ पेपर वर्क, एप्पल स्टिक, देन एक ब्रेडेड केबल मिल जाएगी इसको चार्ज करने के लिए, मैग्नेटिक चार्जर ये यूज करते हैं, टाइप सी वाला पोर्ट आपको मिलता है, एंड एक चार्जर मिल जाएगा जो कि 30W का है, टाइप सी कनेक्टिंग उसमें होती है। चलिए भाई इसको फाइनली एक बार कर लेते हैं ओपन, बट चलिए बात कर रहे हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस एंड रिव्यू देख ली होगी, काफी सारे यूट्यूबर्स ने इसको परचेस किया है ड्यूरिंग दिस सेल, अच्छा प्राइस था। तो पूरी की पूरी यहाँ पे मेटालिक बेल्ट आपको देखने मिलती है, 4 कलर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, मेरे पास स्पेस के लिए यहाँ पे है। तो एप्पल का जो लोगो है पहले होता था भाई यहाँ पे लाइटिंग वगैरह आपको देखने मिलती थी 2017 में या उससे भी पहले, राइट, बट ये प्लेन लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यार कमाल की बात ये है यहाँ पे जो हिंज है वो काफी स्टडी है, तो आप इसको लाइक सिंगल हैंडेडली ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो डिस्प्ले साइज यहाँ पे मिलता है वो मिलता है 13.6 इंचेस का, जो मैंने वेरिएंट परचेज किया। एंड ट्रैक पैड का साइज यार ह्यूमंगस आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये ग्लास ट्रैक पैड है वैसे, यहाँ पे कोई भी बटन्स नहीं है, बट जो हैप्टिक है वो आपको बटन की फीलिंग दिलाएगा। अबाउट द कीबोर्ड यार, कीबोर्ड लाइक सी काफी टाइनी कीबोर्ड है, अभी मैं मेनली यूज करता हूँ जो मेरा डेस्कटॉप है उसमें बड़ा वाला कीबोर्ड होता है, मेरे को उसकी आदत लगी हुई है, बट स्टिल जो की प्रेसिंग है या फिर की का जो फीडबैक है वो यहाँ पे काफी स्मूथ है। अब अगर डिस्प्ले क्वालिटी, तो भाई डिस्प्ले की वजह से ही एप्पल आपको इतना चार्ज कर रहा है। वैसे अगर आप इसका मैक मिनी लेने जाएंगे जो कि मैंने परचेज किया था इसी साल, वो मेरे को 60,000 में मिला था, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, वही M2 चिपसेट मिलता है, 8GB की रैम मिलती है, 256 की SSD मिलती है, सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ वो 60 में मिल रहा था, ये आपको और 1 लाख मिल रही थी बिना सेल के। सेल के बाद आपको M2 वाला जो प्रोसेस है वो आपको और सस्ता मिला। अब अगर डिस्प्ले आर, तो सबसे पहले चीज आप नोटिस करें यहाँ पे एक नोच दी गई आपको, एंड लाइक पहले आईफोन्स आते थे 13, 12 उनमें आपको नोच मिलती थी, इवन दो 14 की सीरीज में आपको नोच मिल रही है, तो यहाँ पे एक नोच मिलती है जिसके कारण ये एक मॉडर्न फीलिंग आपको देने वाला है। डिस्प्ले की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं, जो डिस्प्ले यहाँ पे यूज हुई है सो वो अमेजिंग है, तो डिस्प्ले वाइज मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी। अब द प्रोडक्ट क्वालिटी अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसिंग की, जिसको किनको लेना चाहिए, क्या यहाँ पे यूज होने वाला है, तो गाइस मेरा मेनली काम है एडिटिंग का, मैं एडिटिंग करके वीडियो को रिमूव वगैरह कर देता हूँ, तो 256GB सफिशियंट है, iCloud परचेज किया और 200GB वाला, तो वहां से काम चल जाता है। तो जो काम मेरे को i5 में 1 घंटे में लगता था करने में वीडियो रेंडरिंग में, तो वो चीज M2 प्रोसेसर वो है आपको 10 मिनट में वो डिलीवरी देता है। लाइक वीडियो अगर आप एडिट करके रेंडर कर रहे हो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ फुल HD क्वालिटी में, आपको सेम वीडियो रेंडर करने के ये 10 मिनटों के अंदर दे सकते हैं, वो काम करने में i5 प्रोसेसर को लग जाते हैं करीबन 1 घंटा। तो वो चीज थी जिसकी वजह से मेनली मैंने इसको परचेज किया। मतलब यार फर्स्ट इंप्रेशन तो काफी अच्छा है, बट कुछ दिक्कत यहाँ पे लगी, लाइक आप इसको डिस्प्ले पे आपने अगर कहीं छू दिया तो काफी गंदी तरह से स्क्रैचेस अट्रैक्ट करता है, एंड इवन तो फिंगरप्रिंट आपके यहाँ पे लग जाते हैं, तो प्रोटेक्शन यूज कर लेना बेटर है, आप जाके कोई शॉप पे लगवा ले खुद से अप्लाई करने के बजाय। तो गाइस फर्स्ट इंप्रेशन तो काफी सॉलिड है, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट भी मिलता है, डिस्प्ले से लेके इसकी बिल्ड क्वालिटी आई रियली लाइक इट, एंड इन टर्म्स ऑफ टच एंड फील इट्स अमेजिंग। ये थोड़ा सा रिव्यू था इस लैपटॉप के बारे में, बाकी हम इसको यूज करेंगे और आपके साथ फीडबैक में शेयर कर दूंगा कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस विद M2 चिपसेट ऑन मैक OS।